हाई एवरी वन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कम्प्लीट नॉलेज मिलेगा कि राइट इश्यूज़ होते क्या है और कंपनी क्यों राइट शेयर्स डिक्लेयर करती है। राइट इश्यूज़ का मतलब होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। राइट इश्यू एक कॉरपोरेट एक्शन है जो कि मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है। मतलब कि कंपनी ओपन रखती है कि क्या आपको राइट इश्यूज़ में पार्टिसिपेट करना है, क्या आपको शेयर्स खरीदने हैं एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। तो ये आपको एक ऑफर देती है कंपनी, आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर्स देती है कि क्या उनको ये शेयर्स बाई करने हैं। और जैसे हम लोग ने बोनस शेयर्स में देखा, बोनस शेयर्स में भी एक रेशियो रहता है कि अगर आपके पास इतने शेयर्स है तो कंपनी आपको इतना शेयर्स देगी। वैसे ही राइट इशू के वक्त भी एक रेशियो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेशियो है 2:1, यानी कि अगर आपके पास XYZ कंपनी के 2 शेयर्स है तो आपको कंपनी ऑफर दे रही कि आप एक शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में बाय कर सको। राइट शेयर्स जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कि वो डिस्काउंट पे शेयर्स बाय कर सके। यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है शेयर होल्डर्स पे, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता है, ये एक वॉलेंट्री कॉर्पोरेट एक्शन है जहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स बाय करने हैं तो वो ऑप्ट कर सकते हैं राइट इश्यूज़ के लिए, अगर नहीं चाहिए तो वो सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। अब कंपनीज क्यों राइट शेयर्स इशू करती है? कंपनीज को जब भी एक्सपांड करना रहता है, मर्जर एक्विजिशन या एक्सपांड करना है खुद के बिजनेस को, तो ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब उनके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो वो डेट से पैसा उठाए या तो फिर इक्विटी मार्केट से पैसा उठाए। तो जब भी कंपनी एक्सपांड कर रही है खुद को तो यूजुअली वो प्रेफर करती है कि वो इक्विटी कैपिटल रेज करे, एंड उसका एक बड़ा पार्ट है राइट इशू। अगर कंपनी की ऑलरेडी लिस्टेड है तो वो राइट इशू करके वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो डिस्काउंट पे शेयर्स बाय कर सके, और फिर जो बचा रहेगा वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जब जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट्स हो जाते हैं तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो राइट शेयर्स इशू कर सके। राइट शेयर्स इशू करके वो जनरल पब्लिक से पैसा उठाती है और अपने डेट्स को पे ऑफ कर देती है। इस हिसाब से उनका फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने लगता है। अब कंपनी को क्या बेनिफिट है कि राइट शेयर्स इशू करती है? वो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लो कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी को कोई एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है और अंडरराइटर की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कंपनी को यहाँ पे लो कॉस्ट रहता है। सेकेंड मोस्ट बेनिफिट है कि कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस जीत पा रही है, रिटेन कर पा रही है, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पे शेयर्स दे रही है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रहेगा ये कंपनी में। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कंपनी को, जब कंपनी राइट शेयर्स इशू करती है तब कंपनी के पास ये फास्टेस्ट मोड रहता है रेजिंग कैपिटल का, यानी कि बाकी सब फाइनेंसिंग मोड से बेटर है कि कंपनी राइट शेयर्स इशू कर दे। और कंपनी अगर डेट्स इशू करती है तो वहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारा ऑब्लिगेशंस रहता है, यहाँ पे कंपनी के पास ज़्यादा ऑब्लिगेशंस नहीं रहता, इसलिए राइट शेयर्स इज बेस्ट वे रेदर देन टेकिंग अप लोन्स एंड डेट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। एज एन इन्वेस्टर हमें क्या बेनिफिट है राइट शेयर्स से? अब जब कंपनी राइट शेयर्स इशू करिए तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए करिए। अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ तो ऑब्वियसली मैंने उनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स चेक किए थे बिफोर बाइंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। इसका मतलब है कि मुझे वो कंपनी पे पहले से ही भरोसा है। अब जब कंपनी मुझे डिस्काउंट पे शेयर्स ऑफर करिए तो यहाँ पे मुझे चांस मिल जाता है कि मैं अपना स्टेक बढ़ा दूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ा दूँ ये कंपनी में इन्वेस्ट करके। अब मैं क्यों करूँगी इन्वेस्ट? क्योंकि मुझे ऑलरेडी उनका फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स पता है। इसके लिए मैं अपॉर्चुनिटी ये ग्रैब करूँगी कि कंपनी अगर मुझे डिस्काउंट पे शेयर्स दे रही है तो मैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकूँ, मैं वो शेयर्स को डिस्काउंट पे ले सकूँ, और डिस्काउंट यानी कि करंट मार्केट प्राइस से कम प्राइस में कंपनी शेयर्स को इशू करती है। अगर मुझे राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? सब चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गए, हम बैंकिंग हो या डीमैट अकाउंट हो हम मोबाइल से यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे ईमेल पे एक फॉर्म आता है जो कंपनी या एक्सचेंज या आपके ब्रोकर भेजेंगे, वो फॉर्म को हमें फिल करना रहता है जिसमें हमारा मैंडेटरी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि नेम हो गया, पैन कार्ड हो गया, डीमैट अकाउंट नंबर हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, ये सब मैंडेटरी चीज़ें हमें फिल करनी रहती है और उनको मेल बैक करना रहता है कि हमें इतने इतने शेयर्स के लिए राइट्स अप्लाई किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राइट का रेशियो था 2:1, मतलब कि आपके पास अगर 50 शेयर्स है तो आप 25 शेयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो,
बट आपने अप्लाई किया है 20 शेयर्स के लिए, तो आपको उसमें मेंशन करना रहेगा कि आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। और कंपनी आपको रिप्लाई बैक भी करती है सेइंग कि अगर आपने ज़्यादा शेयर्स अप्लाई किया है या फिर कम शेयर्स अप्लाई किया, आपको कितना अलॉटमेंट हुआ है, सारा डिटेल्स कंपनी आपको मेल बैक करेगी कि आपको इतना इतना शेयर्स अलॉट हुआ, ये प्राइस पे अलॉट हुआ है। अब राइट शेयर्स का इम्पैक्ट क्या होता है शेयर प्राइस पे? जब भी कंपनी राइट शेयर्स इशू करती है तो शेयर प्राइजेस डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कंपनी ने 1:2 में रेशियो दिया है, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको डिस्काउंट पे 2 शेयर्स बाई कर सकते हो। यहाँ पे आप टोटल 3 शेयर्स की बात कर रहे हो। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 150 रुपीज़ और कंपनी ने डिस्काउंट प्राइस दिया है 100 रुपीज़, तो 100 × 2 शेयर्स यानी 200 रुपया और 150 × 1 शेयर यानी कि टोटल 350 रुपीज़ के आपके पास 3 शेयर्स हो जाएंगे। अगर इसको पर शेयर डिवाइड करेंगे तो 116 रुपीज़ होते हैं, यानी कि 150 से 116 पे शेयर प्राइस आ जाएगी। क्योंकि कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी बढ़ जाएंगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इस हिसाब से बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है कंपनी के शेयर प्राइस पे जब कंपनी राइट शेयर्स इशू करती है तब। 5 pointers टू बी अवेयर ऑफ अबाउट राइट इशू। कंपनी राइट इशू इसलिए डिस्काउंट पे देती है क्योंकि अगर कंपनी फेयर वैल्यू पे ही देने लगेगी तो फिर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी ब्रोकर से वही प्राइस पे मिल रहा है। अगर कंपनी भी वही प्राइस पे इशू कर रही है तो क्यों कोई शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट दिखाएगा। इसीलिए कंपनी को फेयर डिस्काउंट देना पड़ता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू करते वक्त। जब कंपनी राइट्स इशू करती है तब उनका EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर और ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों रिड्यूस हो जाता है क्योंकि कंपनी का नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए कंपनी का जो फाइनेंशियल्स होते हैं जैसे कि अर्निंग पर शेयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब रिड्यूस होते जाते हैं, डाउनफॉल में दिखते हैं। राइट शेयर्स जो होते हैं ये ऑब्लिगेशंस नहीं होते, ये ऑप्शन रहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास कि ऑप्शन है कि या तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो या तो ये रिजेक्ट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एकदम वॉलेंट्री है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। जब भी राइट शेयर्स इशू होते हैं और लिस्ट होते हैं तो वो यूनिक आइजन पे लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। और अगर आपको लगता है कि बोनस इशू और राइट इशू सेम है तो दोनों काफ़ी डिफरेंट है। बोनस इशू जो है वो फ्री में रहता है और राइट इशू जो है वो डिस्काउंट पे रहता है। इसलिए जब बोनस इशू होता है तो फाइनेंशियल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, ये सब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होते। बट क्योंकि राइट शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे है और यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो, एडिशनल शेयर्स के लिए पैसा दे रहे हो, इसीलिए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स दोनों में डिफरेंस है। बोनस शेयर्स क्या होता है ये डिटेल में जानने के लिए हमारे बोनस शेयर्स वाली वीडियो ज़रूर देखना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विथ जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप CA, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको 1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।